इमरान खान को अदालती फैसलों ने इमरान खान को बहुत सपोर्ट किया है, और अब आने वाले वक्त में जनरल कमर बाजवा के बाद कुछ और ऐसे जजेस हैं जिनका नाम भी इसी तरह से लेके ये गालियां बकरे होंगे, देखिएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आने वाले जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर साहब, कैसा रवैया होगा उनका? हैंडल कर लेंगे सर इस इन तमाम मसाइल को? क्या हैंडल सर, इसको हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये हुकूमत का काम है हैंडल करना, आर्मी चीफ का काम नहीं है हैंडल करना, ये तो हुकूमत को, आर्मी चीफ आप कहते हैं जी, आर्मी चीफ जो है वो 22 ग्रेड का अफसर होता है, वो हुकूमत के नीचे होता है और पूरी अदारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है और वजीर आजम उसका बॉस होता है, तो भैया आपके नीचे आपका अगर कुलीग प्रोड्यूसर है या कोई आपका छोटा आदमी है उससे उसको उसके साथ ज्यादती होगी और आप खामोशी से तमाशा बैठ के देखेंगे, और आपके पास इख्तियार भी है कि सामने वाले आप गेस्ट को कहें कि आप मेरे प्रोड्यूसर को गाली देख रहे हैं, मैं आपको बंद करता हूँ, लॉक कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो ये तो हुकूमत का काम है। लेकिन कहना कि आसिम मुनीर हो या शाहिद शमशाद हो या अजहर साहब हो, सब क्वालिफाई हैं, वो सब कर सकते हैं। माजी में फौज ने आ, आ, बहुत सख्त रवैया अपनाया जो जनाब कमर बाजवा साहब नहीं, उन्होंने अपनाया, छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, एक सूबेदार उनका काफी है इस इन जैसे लोगों के लिए, एक सूबेदार। आपने देखा था जब अडियाला जेल से नहीं छोड़ रहे थे, पूरी की पूरी पंजाब हुकूमत खड़ी हो गई थी, पुलिस आ गई, तो एक सूबेदार गया था ना, तो ये एक सूबेदार की मार है, और ये हैंडल करना किस तरह हैंडल करेंगे क्या करेंगे, पाकिस्तान आर्मी का जो चीफ होता है उसके नीचे 8 लाख फौज है, पूरे के पूरी एक कोर है, पूरा का पूरी एक आपके वो जो है वो मैनेजमेंट है, उनके पास इन चीजों के हल के लिए बहुत कुछ है। अब देखना ये है कि क्या वो कमर बाजवा साहब की तरह नरम रवैया रखते हैं या अपने फौज के जो ऑफिशियल्स हैं उनको उनको तहफुज हराम करते हैं और उसके लिए वो इकदाम करते हैं। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, जनरल फैज साहब के हवाले से कुछ खबरें चल रही हैं, इस्तीफे पर क्या राय? कहा जाता है कि वो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ लॉबिंग भी करते थे और वो ना बनने कोई और ना बन जाए इसके लिए वो बड़की लॉबिंग करती रही हैं। इस पे कुछ वीलॉगर्स हैं, अहम हैं, उन्होंने कुछ वीलॉग्स भी किए हैं, तो जनरल फैज साहब के इस्तीफे पर क्या कहेंगे सर आप? देखिए जनरल फैज साहब एक अच्छे जनरल थे और मेरी डीजीसी के लेवल तक तो मुलाकात हुई थी उनसे जी और काफी मुलाकात रही, उनसे बातचीत रही, अच्छे समझदार आदमी थे। इमरान खान ने उनको इस्तेमाल किया, इमरान खान ने जनरल फैज को, जब आप नाम ले रहे हैं तो मैं भी ले लेता हूँ जी कि जी जनरल जी फैज को उन्होंने इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए। इंसान के अंदर लालच होता है, इंसान के अंदर वो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके तहत वो गलती करता है। इमरान खान साहब ने किसी को अगर ये लालच दिया है कि जनाब देखिए, इमरान खान साहब की 4 बड़ी नाकामी हुई है, बहुत बड़ी। एक तो ये हुआ कि जो 10 साल का उनका जो ख्वाब था वो चकनाचूर हुआ, क्यों? सबसे पहला है कि उन्होंने जो ट्रम्प के साथ मुहाइदे किए थे जिसमें कश्मीर का इशू, सीपैक का इशू और फिर आगे चलकर मईशत के बाद एटमी ताकत का विड्रॉल, ये सारे उनके साथ ट्रम्प के साथ तय थे, जिस पे उन्होंने कहा था कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, तो अल्लाह ताला का करना होता है उसे ज्यादा पता होता है। वो ट्रम्प जिसने इनको 10 साल की गारंटी दी थी और इन बातों पे दी थी जो इन्होंने करना था, वो ट्रम्प खुद ही इलेक्शन हार गया, एक तो वजह ये। ठीक दूसरा, इमरान खान साहब का 10 साल जो ख्वाब था वो चकनाचूर उस वक्त हुआ जब उनकी जो उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है वो आ गई और वो वहां से गिरा दिए। तीसरा, इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया, ठीक है जी। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि मनपसंद आर्मी चीफ लाने के लिए जो उन्होंने पूरा एक ग्राउंड बनाया था और उसके बाद उनका इरादा था कि मैं इस शख्स को आर्मी चीफ लाऊंगा और देन फिर मुझे ना अमेरिका, वहां ट्रम्प बैठा हुआ है, इधर आर्मी चीफ मेरे साथ है और उसके बाद फिर मैं ये इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि मुझे कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। 2018 के इलेक्शन में 70 लाख वोट मुझे दिए थे, आगे चल के हो सकता है कि मुझे 2/3 मेजोरिटी भी ये दिलवा दे, ये पूरी उनकी एक प्लानिंग का हिस्सा था। ये 4 फैक्टर थे, ये चारों फैक्टर गिरे और एक फैक्टर जो बहुत बड़ा है उसको भी मैं शामिल करता हूँ
कि मुतकब्बर सिर्फ अल्लाह हम्म, की है। इस शख्स ने बहुत तकब्बुर दिखाया, फिर अल्लाह ने उसको ला के कहाँ खड़ा कर दिया। जनरल फैज एक जनरल थे, उनको इस्तेमाल किया और वो इस्तेमाल हुए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अब वो इस्तेमाल किस तरह हुए, जिसमें आप एक बात कह रहे हैं कि जी उसको रोका जाए, जाहिर है आप जब किसी को आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, आपको पता है डीजी आईएसआई के हवाले से भी इस शख्स ने कोड़े जी डाले। रामा, प्रदीप अंजुम साहब आए थे कि जी जनरल फैज को कंटिन्यू करने दे, तो जनरल फैज को जो एक अच्छे जनरल थे, लेकिन उनको इस्तेमाल किया गया, और इस्तेमाल करने के बाद आज उस उनको जो है वो साइड में फेंक दिया गया। अब इमरान खान के लिए जनरल फैज बेकार है, लेकिन जनरल फैज के लिए ये लम्हे फिक्रिया है कि उन्होंने इमरान खान के हाथों इस्तेमाल होकर अपनी पोजीशंस को बहुत खराब किया, और अब जो भी उनके प्लान थे, बहुत सारी काम किया होगा उन्होंने, आसिम मुनीर वाला क्यों, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर उन्होंने काम किया, जस्टिस काजी फाइज सा के हवाले से भी, और जैसे शौकत के हवाले से भी, बहुत सारे लोगों, नवाज शरीफ के हवाले से भी, और लोगों के हवाले से भी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनका वो तमाम अमल इमरान खान की डिक्टेशन थी, और इमरान खान साहब ने उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और वो इस्तेमाल हो गए। यहां पर उनकी गलती है कि वो इस्तेमाल हो गए, और अब उनके लिए आगे कंटिन्यू करना क्या है, क्योंकि अब कुछ नहीं है ना, अब तो उनको सिर्फ एक कोर में रहना है, या तो वो रहे या घर चले जाए, ज्यादा बेहतर अच्छा है कि जी अब जाहिर है कि आसिम मुनीर साहब 3 साल के लिए आ गए हैं, तो इनकी रिटायरमेंट तो अभी 1 साल के अंदर हो जाएगी, तो अब ये आर्मी चीफ तो नहीं बन सकते, तो और ये इमरान खान के हाथों तो इस्तेमाल होके फौज में बड़ा क्वेश्चन मार्क भी हुए हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है बेहतर फैसला होगा अगर जनरल साहब अपने आप को सुपरसीड तो नहीं हुए कोई भी, लेकिन अगर अलग कर लेते हैं तो कम से कम इमरान खान साहब ने जिस तरह उनको इस्तेमाल करके उनको उनकी पोजीशन को नुकसान पहुंचाया है, वो अब साइड में होकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए। बिल्कुल, बहुत सारी दूसरी बातें भी हैं जो डॉक्टर साहब आप काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आपने, और भी बड़े मसले मसाइल हैं। अच्छा सर, ये अजहर अब्बास साहब तो सुपर सीट भी नहीं हुए, वो भी रिजाइन कर रहे हैं, उसके पीछे क्या साइंस है? होता है ऐसे ही होता है। देखिए एक आदमी आर्मी चीफ की अहलियत रखता है, पोजीशन रखता है, और दौड़ वो में इस शामिल है। और वो इस काबिल भी है, तो असल में जब एक आर्मी चीफ बन गया तो फिर उस वो ये उसके उसके लिए माइंड में वहां पर अपने आप को स्टे करके काम करना मुश्किल नजर आता है। इसलिए हालांकि इस दफा वजीर आजम ने जो फैसला किया है, उस दोनों सीनियर मोस्ट लिए, तो दोनों जी सीनियर मोस्ट के बाद जूनियर का ये कहना कि जी मैं ज्यादा अहल था, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपसे ज्यादा उनका वो नंबर में थे, तो लेकिन इंडिविजुअल का ये ख्याल होता है कि अब मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी, अब कुछ है नहीं मेरे पास, मेरे पास तो आर्मी चीफ के एक चांस था, वो जा चुका है, क्योंकि 3 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो क्यों ना मैं अभी रिटायरमेंट ले लूं, तो ये होता है, या तो सुपरसीड होता है या खुद जनरल चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जनरल बाजवा की फैमिली की तफसीलात लीक हुई, वैसे तो वो जो लीक करने वाले दोनों पकड़ लिए हैं, सर ये कैसे लीक हुई, कौन पीछे इसके, इसका किसको फायदा हो सकता है, या जो बातें बाद में की गई? देखिए डीजीआई, देखिए जनरल कमर बाजवा पे अभी तो वो चीफ मौजूद है, तो आप देख रहे हैं कि उनको गालियों से नवाजा जा रहा है जी और क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ये है कि डीजीआई एसपीआर की शायद आज एक मैंने प्रेस रिलीज जी पढ़ रहा बिल्कुल था, बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि वो उनके जो ससुर हैं उनके बेटे की, उनकी जो है वो गलत है। अब जी डीजीआई एसपीआर जब आकर ये कहे कि ये इंफॉर्मेशन उनकी जात के हवाले से गलत है, और तो फिर उन लोगों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है जिन्होंने ये एलिगेशंस लगाया है, बहुत सीरियस एलिगेशन उनके ऊपर लगाया है, तो ये उनका काम है कि डीजीआई एसपीआर के बाद वो साबित करें किसी जगह पर कि जी ये ठीक है ना, मैं चंद कागजात लेकर खड़ा हो जाऊं और वीलॉग्स कर दूं, ट्वीट्स कर दूं, तो सिर्फ बदनाम तो मैं कर रहा हूं, लेकिन क्या मैं इसको आखिरी हिस्से तक ले जाऊंगा। हमारा जो सवाल था वो ये था कि जनरल कमर बाजवा साहब पर